इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनसीपी सांसद फौजिया खान। मैम, आज से देश में कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, कुछ पे टैक्स बढ़ रहा है, तो माचिस ऐसी चीज़ भी डबल हो गई, उसकी कीमत, आम जनता पर महंगाई का बोझ? आम जनता पर इस कदर बोझ है महंगाई का कि अब क्या खाए और कैसा रहे इंसान। अगर माचिस की कीमत भी डबल हो जाती है तो फिर कैसे इंसान का जीना होगा। हमारी महिलाएँ तो बिल्कुल ही मर रही हैं। एक तो LPG गैस इतनी महंगी, जिसका इफेक्ट जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का इफेक्ट हर हर वस्तु पे हो रहा है। तरकारी है, फल है, तेल है, दाल है, कौन सी चीज़ आज सस्ती है, और इसकी वजह से पूरे देश का हर नागरिक परेशान है आज। जी, लेकिन मैम, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है, और सबके बीच में देश की जो GDP है वो पिछले क्वार्टर में 8.4 के आसपास पहुंची है, जो कि एक खासा सुधार है। देखिए, GDP जो है, इसका जो असेसमेंट होता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को भी बदलने की ज़रूरत है। ये तो दिशा भूल है हमारे देश की। लेकिन मैम, सवाल ये भी उठता है कि संसद में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद का सत्र नहीं चलता है, हंगामा होता रहता है, तो आम आदमी का जो मुद्दा है वो तो संसद में उठेगा, वो भी नहीं उठ पाता है। विपक्ष भी आम आदमी का ही रिप्रेजेंटेटिव है जी। सरकार जवाबदेही है, विपक्ष भी जवाबदेही है जनता को, लेकिन अगर उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मजबूरन विपक्ष को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और प्रोटेस्ट उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो प्रोटेस्ट की तरफ भी इग्नोर किया जा रहा है, उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, तो विपक्ष करे क्या। यानी साफ तौर पर फौजिया खान, NCP सांसद का कहना है कि आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि माचिस ऐसी चीज़ों की भी कीमत अगर बढ़ती जाएगी तो आखिर एक आम जनता, एक आम महिला, एक आम परिवार अपना गुजारा कैसे करेगा। अंकित गुप्ता, BP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।